ओके तो भाई हमारे ट्रैवल चीफ रोमा रेस पिछले 3 साल से डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर एक भी मैच के अंदर हार ही नहीं रहे। आज करेंट टाइम में रोमा रेस करीब 1200 दिन से चैंपियन है भाई, उनको कोई हराने वाला रेसलर आज तक सामने आया ही नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल और रेसलर का नाम बताने वाला जो कि फाइनली रोमा रेस का साम्राज्य खत्म करने वाला। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे आप पहली बार आए तो भाई सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 के अंदर अगले साल कोडी रोड्स के साथ मैच होने वाला है। आपको शायद ये जानकर बुरा लगेगा पर कोडी रोड्स रोमन रेंस को डिथ्रोन नहीं करने वाला, अगले साल कोडी रोड्स फिर से हारने वाले रोमन रेंस। इनफैक्ट रेसलमेनिया 39 के बाद आज तक ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं आया जिसका यह कहना कि कोडी रोड्स हराने वाले। जितने भी एक्सपर्ट है सारे एक्सपर्ट का यही कहना कि कोडी रोड्स वो बंदा नहीं होने वाला जो कि रोमन रेंस का साम्राज्य को खत्म करे या फिर उनको डिथ्रोन करे। आपको शायद जानकर बुरा लगेगा पर कोडी रोड्स चाहे जितना बार भी रोमन रेंस के सामने क्यों ना आ जाए कोडी रोड्स कभी भी रोमन रेंस को हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो रेसलर है जो कि सोलो सिकोवा, जिसका नाम आपके माइंड में सबसे ज्यादा आता हो कि भाई सोलो सिकोवा रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं, उसके पीछे का सिंपल ये रीजन है कि भाई सोलो सिकोवा को डब्ल्यू वाले काफी ज्यादा सीरियस लेते हैं। साथ ही साथ सोलो सिकोवा समोअन फैमिली से बिलोंग करते, इसके अलावा वो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने के लिए परफेक्ट बनता है। साथ ही साथ सोलो सिकोवा पॉल है उनके साथ मिलकर रोमन रेंस को धोखा देकर फाइनली रोमन रेंस को शायद से डिथ्रोन कर सकता है। भाई सैडली शायद से सोलो सिकोवा भी वो रेसलर नहीं होने वाला जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करे, और उसमें से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें से कुछ रीजन मैं आपको बता सकता हूं। मे बी सबसे पहले सोलो सिकोवा का पर्सनालिटी उस तरीके का नहीं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को आगे आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट कर सके। जैसे रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट किए थे, रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट किए थे, पर उसोस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि उसोस का पर्सनालिटी रोमन रेंस जैसा नहीं था, उसोस का पर्सनालिटी रॉक जैसा नहीं था। सोलो सिकोवा का फ्यूड आपको अगले साल समर स्लैम के राउंड तो देखने को मिलेगा रोमन रेंस के साथ, पर भाई सोलो सिकोवा नहीं डिथ्रोन कर पाएंगे। एक और चीज ये भी है कि अगर सोलो सिकोवा डिथ्रोन कर देते हैं रोमन रेंस को तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऑडियंस इसे मतलब हजम नहीं करने वाली, क्योंकि भाई रोमन रेंस करंट टाइम में वो स्टार है जो कि इतने सारे रेसलर को निपटा चुका ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता डब्ल्यू वाले इतना बड़ा मतलब अचीवमेंट सोलो सिकोवा को देने वाली। और हाँ, अगर कुछ लॉकडाउन किड्स के माइंड में अगर ब्रॉक लेसनर का नाम आ रहा है फिर रॉक का नाम आ रहा है तो भाई ये सब नहीं डिथ्रोन करेंगे। तो अब मैं आपको फाइनल दो रेसलर का नाम बताने वाला जो कि एक्चुअली रोमन रेंस को डिथ्रोन एक्चुअली में करने वाले। सबसे पहला जो रेसलर का नाम निकल कर सामने आ रहा है वो हमारे हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस, जो कि एक्चुअली रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं। भाई इसके पीछे का अगर रीजन देखा जाए तो भाई एक दो रीजन नहीं, बहुत सारे मल्टीपल रीजन। रोमन रेंस अगले 2 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर चले जाने वाले हॉलीवुड के अंदर, ये बात सबको पता है। रोमन रेंस के बाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर किसी को सबसे ज्यादा लोग अगर पसंद करे तो हमारे हैं सेथ रॉलेंस। साथ ही साथ सेथ रॉलेंस वो बंदा है जो कि काफी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कंटिन्यू रेसल कर रहा है। कोडी रोड्स जस्ट 1 से 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है, तो भाई उनसे मतलब ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। भाई सेथ रॉलेंस वो परफेक्ट बंदा हो सकता है जो कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला सकता है रोमन रेंस के बाद। भाई सेथ रॉलेंस ने इंटरव्यू के अंदर इस बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से बोला था कि उनको कभी भी फिल्म के अंदर जाना नहीं है। सेथ रॉलेंस एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को 2030 तक चलाने वाले, मतलब आराम से 6 से 7 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला सकते हैं आराम से। इसके बाद नेक्स्ट रीजन ये कि भाई अगर सेथ रॉलेंस अगर रोमन रेंस को हरा देते हैं तो भाई ऑडियंस बहुत ज्यादा बू सेथ रॉलेंस को नहीं करेगी। सेथ रॉलेंस वो बंदा जो कि सबसे ज्यादा बार रोमन रेंस को हराए, मेरे ख्याल से 12-13 बार रोमन रेंस को हरा चुके। रोमन रेंस ने भी सेथ रॉलेंस को हराया पर मेरे ख्याल से सिर्फ 1 बार रोमन रेंस सेथ रॉलेंस को अभी तक हरा पाए। तो भाई ये दोनों शील्ड के मेंबर थे तो इनका रिवलरी काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चला आ रहा है, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेरे ख्याल से सर्वाइवल सीरीज के अंदर इनका मैच नहीं कर रहा है, जबकि दोनों ही रेसलर करंट टाइम में चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन दोनों के रिवलरी को आराम से प्रिपेयर करने वाले, उसके बाद आपको रिवलरी देखने में बहुत मजा आने वाला। लोगों ने 2021 के रॉयल रंबल के अंदर इनका मैच देखा था जिस मैच के अंदर सेथ रॉलेंस विन कर गए थे, पर भाई उस टाइम पर कुछ खास रिवलरी देखने को नहीं मिला था। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत बेहतरीन तरीके से इनका फिर से हिस्ट्री रिपीट करेगी, सेथ रॉलेंस फाइनली रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देगा। आप लोग बिलीव करो सेथ रॉलेंस वो परफेक्ट बंदा हो सकता है करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर, जो कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। सेथ रॉलेंस के अलावा ऐसा कोई रेसलर है ही नहीं करंट टाइम में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सके। सबसे पहले रेसलर हमारे होने वाला है सेथ रॉलेंस, जो कि फाइनली रोमन रेंस को हराकर मतलब हिस्ट्री रच दे। भाई एक और रेसलर है जिसका चांसेस सेथ रॉलेंस से भी ज्यादा जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकता है, वो रेसलर करंट टाइम में मेन रोस्टर के ऊपर नहीं है, वो रेसलर करंट टाइम में एनएक्सटी के ऊपर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। ब्रॉन ब्रेकर वो रेसलर जिसको करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का गोल्डबर्ग कहा जाता है, क्योंकि गोल्डबर्ग का बॉडी फिजिक जिस तरीके से उनके प्राइम में था, गोल्डबर्ग के पास जिस तरीके का पावर था उस तरीके का पावर करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर के पास। साथ ही साथ भाई इन्होंने तो गोल्डबर्ग जैसा टैटू भी बना लिया अपने हाथ के ऊपर, इसके अलावा ये रोमन रेंस जैसा स्पीयर मूव का यूज करते हैं। करंट टाइम में हमेशा इस बात को टीज करते हैं कि उनका स्पीयर रोमन रेंस से बेटर है, वो टी शर्ट भी पहनकर आते हैं एनएक्सटी के ऊपर। आपको शायद इस बात को सुनकर बिलीव नहीं होगा पर करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर भाई सिर्फ 26 ईयर के, सिर्फ 26 ईयर, लिटरली 26 ईयर के बंदा का इतना बेस्ट बॉडी फिजिक अपने आप में बहुत कमाल की बात है। इसके अलावा भाई ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट रेसलिंग करने है, भाई ये काफी सालों से नेक्स्ट के ऊपर है, आप लोग सारे लोग इनको जानते भी हो। भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर भी एक्चुअली एक पॉल हेमन गाय है। पॉल हेमन वो इंसान है जो कि हमेशा बेहतर का फिराक में रहता, हमेशा एक रेसलर को छोड़कर दूसरे रेसलर के पास जाता है। भाई ये पॉल हेमन के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला कि रोमर इसको धोखा दे उसको तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ चले। लिटरली ब्रॉन ब्रेकर वो बंदा है जिसके पास हर चीज है, ब्रॉन ब्रेकर के पास किसी भी चीज का कमी नहीं है। आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर को बू मिलेगा रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रॉन ब्रेकर ऑलरेडी करंट टाइम में भाई एक हील करेक्टर हो, भाई हील करेक्टर को जितना बू मिलता उतना उसके लिए अच्छा होगा। भाई जब ये बंदा पॉल हेमन के साथ एलाइन ही हो जाएगा उसके बाद पूरा दुनिया इनको गाली दे, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फाइनल जो भाई दो नाम निकल
स्टॉकर सामने जो कि रोमर रेस के सबसे टॉप के कंटेनर है। सबसे पहले सेथ रॉलिंस से, सेकंड है ब्रॉन ब्रेकर। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मुझे थोड़ा सा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर मतलब थोड़ा सा मुझे ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रिपल एस थोड़ा सा न्यू रेसलर को पुश करने में मेरे ख्याल से भाई थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करते हैं। साथ ही साथ अगर इसके अलावा आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर आपको मेन रोस्टर के ऊपर कब देखने को मिलेगा, तो भाई बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से अगले साल रॉयल रंबल आते आते आपको ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिल जाएंगे मेन रोस्टर के ऊपर। मेरे ख्याल से ब्रॉन ब्रेकर सबसे पहले आते के साथ ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले रोमन रेस के साथ वो अलाइन होने वाले, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो भाई रोमन रेस ने ही नेक्स्ट वीक ऊपर पॉल हेमन को भेजा था कि जाकर ब्रॉन ब्रेकर के साथ, ऐसा भी हो भी सकता है मतलब ब्लड लाइन को पहले ज्वाइन कर उसके बाद फिर वो धोखा देते हैं रोमन रेस। वैसे भाई अल्टीमेट जो सारा चीज डिपेंड करता है कटप्पा मामा के ऊपर डिपेंड करता है। कटप्पा मामा जब तक रोमन रेस के साथ है रोमन रेस का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और मैं हमेशा से इस बात को बोलते हूँ कि भाई जब तक पॉल हेमन रोमन रेस को धोखा नहीं देगा रोमन रेस हारने नहीं वाला। वैसे आपका ख्याल इसके बारे में सारे लोग कमेंट में बता सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर रोमन रेस को डिथ्रोन कर सकता है सारे लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद है तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं सारे लोग।